आपको लिए चलते हैं बराह रास्त लाहौर, जहां निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक अभी अभी शिकायत आई है और मैंने डीसी लाहौर को कमेटी का इंचार्ज अभी अभी हमने बनाया है कि लाहौर की जो नहर है उसमें कोई ड्रेनेज का पानी है, कहीं पे शिकायत मिली है, कंफर्म नहीं है कि दो चार जगहों पे, पांच जगहों पे ड्रेनेज का पानी है जो आ रहा है। तो अभी डीसी साहिबा और एमडी वासा और इनके जो चीफ इंजीनियर हैं वो भी मौके पे जाएंगे और जाके खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि इस वाले पानी में हम किसी भी तरीके से ड्रेनेज का पानी नहीं आने दे सकते। प्लस हमारी ड्रोन से टीमें, हमारी मॉनिटरिंग की टीमें, लिम्स की टीमें, तमाम कमिश्नर ऑफिसेज, तमाम लोग इसको, डीसीज, एसीज, तमाम लोग इसको मॉनिटर करेंगे बाल सफाई को। और इंशाल्लाह ताला इसके नेस्पा कंसल्टेंट है, वो एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट है जो उसके अलावा मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। तो इससे हमें बड़ी उम्मीद है कि हम रिज़ल्ट अच्छा देने में कामयाब हो जाएंगे। तीन हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है, पहला हिस्सा शुरू हो गया है और उसके अलावा दो फेजेस और होंगे उसके बाद इसके। तो उसके बाद सेटेलाइट इमेजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके ज़रिए हम इसको हर दिन मॉनिटर करेंगे और रात को सेटेलाइट पिक्चर से देख के फैसला करेंगे कितनी सफाई हुई है कितनी नहीं। तो बेसिक मकसद ना सिर्फ भल सफाई पे पैसे खर्च करना है बल्कि उसको मॉनिटर करके उसके मैक्सिमम और अच्छे रिजल्ट लेना है। तो पानी चोरी के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि नहरी पानी चोरी बहुत ज़्यादा हो? इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि जब हम ये लिम्स की मदद ले रहे हैं तो इससे बहुत सारी चोर बाजारी ख़त्म होगी, इंशाल्लाह ताला ख़त्म होगी। सीएम साहब, ये जो लाहौर की नहर है जहाँ हम खड़े हैं, ये इलाका नॉर्मल दिनों में नशीलियों की माजगा है नॉर्मल दिनों में, और ये गंदा नाला बन चुका होगा। अब जितने ज़्यादा पैसे खर्च होने जा रहे हैं, जितना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, इसकी शक्ल और सूरत ठीक रहे, इसके लिए कोई, इसमें देखें, इसमें अफसोस से कहना पड़ रहा है, अगर आप सिर्फ इसके अंदर गंदगी देखें ना, वो कौन डालता है, हमारे शहरी? तो अगर हम लोगों को खुद एहसास नहीं होना और हमने हर किस्म का कूड़ा करकट गंदगी इसमें डालनी है, डंप करनी है, तो नहर कैसे साफ़ होगी? आप खुद सोच लें कि इससे हमारा अंदाज़ा होता है कि हम कितने साफ लोग हैं। मतलब पूरी नहर में आप चक्कर लगाएं इस टाइम पे, पूरी नहर में गंदगी भरी पड़ी है। इसके लिए कुछ कर रहे हैं? इसके लिए तो पब्लिक ने करना है। देखिए, हर चीज़ हुकूमत नहीं कर सकती। मतलब आप खुद सोचें कि जिनकी असल जिम्मेदारी है, जिनका मुल्क है, वो पब्लिक है। अगर वही गंदगी डालेंगे, वही सब कुछ करेंगे, कब तक गवर्नमेंट कहती रहेगी? ये बताइएगा कि इससे कई हज़ार एकड़ जो है जमीन सैराब होगी, क्योंकि वही जानता है किसान को इसकी अहमियत का पता है कि नहरी पानी की अहमियत क्या है। और दूसरा ये बताइएगा कि आज आपने ई इलेक्ट्रिक जो बाइक है उसको, वो मौलियाती जो सिस्टम है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी बेहतरी के लिए आप इकदाम कर रहे हैं, इससे कितना लोगों को रिलीफ मिलेगा जो ई इलेक्ट्रिक बाइक है, और दूसरा ये जो बल्स बाइक से कई हज़ार एकड़ लोग जो है किसान को सुविधा? देखें, बाल सफाई की असल अफादियत सही आप कह रहे हैं, किसान जानता है, शहर में इतनी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो गांव में लोग हैं उनकी ये हर साल इंतज़ार होता है कि बाल सफाई कब होगी। जहाँ तक रही दूसरी बात, इंशाल्लाह तो टोटल 26,000 इलेक्ट्रिक बाइक और रक्षे हैं जो हम इंटरेस्ट फ्री देने लगे। जी आदम,